मध्य प्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा के जंगलों के बीच घायल अवस्था में एक युवती पाई गई है। युवती के गर्दन और गले में धारदार हथियारों के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के मारसिहुड़ी और महगुआ देवगुआ के जंगल में एक आदिवासी युवती के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में पड़ी युवती को उमरियापान अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। घटना स्थल पर युवती की चप्पल, फूटी हुई चूड़ियां और कुछ कपड़े भी मिले हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वही पूछताछ में युवती ने बताया कि जबलपुर जिले के पाटन थाना क्षेत्र मादा गाँव की रहने वाली है। 4 साल से बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के मनखेड़ी गाँव के भूपेंद्र पटेल से प्रेम संबंध है। मई के महीने में भूपेंद्र पटेल ने आदिवासी युवती से एक मंदिर में विवाह किया था। युवती गर्भावस्था में है। युवती ने बताया कि उसका पति भूपेंद्र शुक्रवार शाम 4 बजे करीब उसे घुमाकर लाने की बात कही, साथ में एक अन्य युवक भी था। तीनों लोग रात में ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के जंगली क्षेत्र में पहुंचे। युवती को दोनों युवकों ने कुछ पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। उसके बाद युवती के साथ क्या हुआ, इस बात की जानकारी युवती को नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।